टेल्सर 80 mg टैबलेट, ये टोरेंट फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। इसका एमआरपी की बात करें तो 110 इसका एमआरपी है, तथा ये सिंगल मॉलिक्यूल टैबलेट है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो टेमली स्टर करके 80 mg डाला गया है, जो कि एक हार्ट फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में और हार्ट फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस टैबलेट के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कब रिकमेंडेड किया जाता है, तथा इसको कब तक लेना पड़ता है। तो इस टैबलेट को लेने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है, तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। टेल्सर का बहुत सारा पावर रहता है, 25 mg में भी रहता है, 20 mg में भी रहता है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज या लो हो रहा है, तब इसको दिया जाता है। तो टेल्सर 80 mg टेबलेट, जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तथा हार्ट अटैक में इसको यूज़ किया जाता है और हार्ट फेलियर में इसको यूज़ किया जाता है। ये टेबलेट अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसको कम करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ताकि आपको हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का फेस ना करना पड़े, तथा ये प्रिवेंट करता है किडनी फंक्शन को, जो कि कोई इफेक्ट नहीं करता है। तथा इसको टेल्सर 80 mg को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन है तभी लिया जाता है, और डॉक्टर जब तक बोले तब तक इसको लिया जाता है। तथा इसको फूड के साथ या विदाउट फूड भी ले सकते हैं, और डे और नाइट में लिया जाता है आपको हिसाब से, डॉक्टर जब भी बोले तब, आपको कंफर्टेबल लगे तब। तथा इसको डॉक्टर जब तक ना बोले तब तक इसको बंद नहीं किया जाता है। तथा इसका कुछ साइड इफेक्ट भी देखा गया कि अगर आप ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हो तो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है किसी किसी पेशेंट में। अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ये टोरेंट फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड किया जाता है, बहुत ही अच्छा टैबलेट है। 10 गोली का ये स्ट्रिप रहता है, और जब तक आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है तब तक इसको कंटिन्यूसली डॉक्टर की सलाह से लेना ही पड़ता है। इस टैबलेट के बारे में फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।